ये स्क्वेरिंग का लास्ट मेथड था, द्वंद्व योग मेथड। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबिंग, क्यूब। द्वंद्व योग मेथड में आपने देखा, अब सभी क्वेश्चन में फाइनल देख लो आप, ये फाइव डिजिट्स है। फाइव में से लेफ्ट साइड वाले फोर फोर, फिर इन फोर में से लेफ्ट साइड वाले थ्री थ्री, थ्री में से लेफ्ट साइड वाले टू टू, वन वन, फिर इन फाइव में से राइट साइड में से फोर फोर, फिर फोर में से थ्री थ्री, फिर इन सभी का मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं सबको आपको प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे टू टू, फोर जीरो फोर जीरो, फाइव फाइव, टू टू, इसका रिजल्ट टू प्लस टू, ठीक है, टू प्लस टू, फोर जीरो जीरो, फोर जीरो जीरो, फाइव फाइव जा 25, सबके रिजल्ट प्लस करने होते हैं। एज एग्जाम्पल ये वाला हो गया, फाइव वन जा फाइव राइट कर दिया, फाइव वन जा फाइव राइट कर दिया, जीरो जीरो जीरो, मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आता है सबको क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पुट कर दें, ठीक है। जैसे टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन, फोर फोर जा सिक्सटीन, कितना हो गया 36, हमने यहाँ राइट कर दिया। और इन सभी सेक्शन में लास्ट में वन वन डिजिट रखना है, अदर जो भी है लेफ्ट साइड में ऐड करते जाओ। तो ये स्क्वेरिंग। नाउ क्यूबिंग, क्यूब कैसे करें। अब क्यूब में देखिए, फर्स्ट मेथड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अनुरूपेण, अनुरूपेण मेथड से क्यूब फाइंड करना। आफ्टर स्क्वेरिंग क्यूबिंग, फर्स्ट मेथड अनुरूपेण, क्लियर। क्यूब कैसे करें, फर्स्ट मेथड आपका कौन सा है, अनुरूपेण। अनुरूपेण मेथड, अनुरूपेण मेथड में एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं। अनुरूपेण स्क्वायर में भी था, ठीक है, उसमें भी जितने भी सेक्शन थे सब में लास्ट में वन वन डिजिट रखा था। इसमें देखिए एक डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूं आपको, टू डिजिट के क्यूब में ये इफेक्टिव होता है। क्यूब ऑफ ए एंड बी, टू डिजिट, फर्स्ट डिजिट ए है, सेकेंड डिजिट बी है। ए क्यूब, थ्री ए स्क्वेयर बी, थ्री ए बी स्क्वेयर बी क्यूब, एक तरह से ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ना, ये होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी वैसे लर्न हो जाएगा, क्लियर। देयर विल रिमेन ओनली वन डिजिट इन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन। नाउ एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्यूब ऑफ थ्री वन, क्यूब ऑफ थ्री, थ्री थ्री स्क्वेयर वन, थ्री थ्री स्क्वेयर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ वन, 27, 27, 9 and 1. There will remain only one digit in second, third and fourth section. 1, 9, 7 write karo, 2 idhar add kar do. Clear? First example. Now, second example. 2 simple method hai, dekhiye. ये स्क्वायर में भी आपके इसी टाइप का मेथड था, उसमें एक तरह से आपने होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी फॉर्म अप्लाई किया था। क्यूब ऑफ फोर सेवन, ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर, क्लियर, बी क्यूब। इन सेक्शन में क्या रहेगा, ओनली वन वन डिजिट, इनमें ओनली वन वन डिजिट, ओनली वन डिजिट, क्या करना है आपको, एक तरह से ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर बी क्यूब, क्लियर। लास्ट में थ्री रखना है, 34 आपको इधर ऐड कर देना है, ठीक है। लास्ट में वन वन डिजिट रखते जाइए और अदर जो भी है, जो भी आपके पास डिजिट रह जाते हैं वो इधर ऐड करते जाइए। वन मिनट, इसका आपका आंसर रहेगा 103823। थ्री रख लो,
34 आपने इधर ऐड कर दिए, लास्ट वन डिजिट रखिए इधर ऐड कर दो, लास्ट वन डिजिट रखिए इधर ऐड कर दो। स्क्वायर में क्या आपने यूज किया था, स्क्वायर में ये था ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, वो भी अनुरूपेन मेथड था, ठीक है। टू डिजिट का स्क्वायर ये इफेक्टिव होता है इन स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट, इन स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट। और ये क्यूब में, क्यूब में भी यही मेथड है, देखिए नाउ सुन वन मोर एग्जांपल। थर्ड क्यूब ऑफ 9 2, सिंपल है बिल्कुल ही, ए क्यूब 3 a square b 3 a b square b क्यूब। कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। एट 108 486 729, लास्ट में वन डिजिट आपको रखना है, अदर जो भी है वो इधर ऐड करते जाइए। लास्ट में वन डिजिट 8 रख लें, इसमें क्या रखो 8 रख लो, 10 इधर ऐड कर दो, 496 6 रखना है और आपको इधर ऐड करना है क्या 49 778। तो क्यूब बाय अनुरूपेन मेथड, ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व योरसेल्फ एंड राइट इन योर नोटबुक। 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्यूब ऑफ 16, क्वेश्चन नंबर 2 क्यूब ऑफ 33, क्यूब ऑफ 41, क्यूब ऑफ 52, बिल्कुल सिंपल है अनुरूपेन मेथड।